आदित्य ने रात दिन की मेहनत के बाद अपर्णा के लिए डायमंड रिंग खुद से बनाई थी। उसे प्रपोज करने के लिए उसने हॉस्पिटल के पार्क में ही इंतजाम करवाया था। जब जिया को उनके प्लान के बारे में पता चला तो वो गुस्से में आकर ऊपर छत पर चली गई। अपर्णा को जैसे ही जिया के इरादे का एहसास हुआ वो तेजी से लिफ्ट की तरफ चिल्लाते हुए भाग। आदित्य ने जब उसे ऐसे बेचैन होते हुए देखा तो उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अपर्णा ने अपने आप को स्थिर करने की कोशिश की। दोनों फिर लिफ्ट में चले आए थे। अपर्णा का दिल किसी अनजाने डर से जोर जोर से धड़क रहा था। उसने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, वो ऐसे कैसे कर सकती है? आदित्य ने उसके हाथों पर प्यार से थपथपाते हुए कहा, तुम इतना पैनिक मत हो, मुझे उम्मीद है ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसके लिए तुम डर रही हो। हालांकि ये कहते हुए आदित्य खुद भी श्योर नहीं था, लेकिन उसे अपर्णा को संभालना था। जिया को देखकर उसे बहुत पहले ही उसके क्रेजी होने का अंदाजा था, लेकिन वो आज सच में ऐसा कर लेगी आदित्य ने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे ही वो लोग लिफ्ट में चढ़े वैसे ही जिया का कॉल कट हो गया था। अपर्णा ने 3-4 बार हेलो हेलो कहकर जिया को पुकारा, लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आई। उसने एक बार फिर से घबराते हुए आदित्य की तरफ देखा और बोली, मिस्टर ओबेरॉय, ये फोन लिफ्ट की वजह से कट गया या जिया ने खुद काटा है? अभी आदित्य कुछ कहता कि लिफ्ट ऊपर छत पर पहुंच चुकी थी। दोनों ने जल्दी से बाहर निकलकर देखा। अपर्णा की नजर रेलिंग के पास रखे खाली व्हील चेयर पर गई तो उसका दिल धक से रह गया। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, जिया! लेकिन तभी आदित्य की नजर रेलिंग के कॉर्नर में बैठी जिया पर पड़ी। उसने अपर्णा को इशारे से देखा, तब जाकर अपर्णा की जान में जान आई। उसने एकदम से आगे बढ़ते हुए कहा, जिया, ये क्या पागलपन है बच्चा, तू ऐसे कैसे कर सकती है? लेकिन तभी जिया ने अपना एक हाथ रेलिंग से हटाते हुए कहा, मेरे पास मत आना दी, वरना मैं सच बता रही हूँ, मैं कूद जाऊंगी। ये सुनते ही अपर्णा वहीं पर झिझक कर रह गई। आदित्य ने ये सुनकर अपर्णा का हाथ थामा और धीरे से ठहरे लहजे में उसे पुकारते हुए बोला, जिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जिया ने बिना पीछे पलटे हुए कहा, और आपको ऐसा करना चाहिए डॉक्टर ओबेरॉय, मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप डी के साथ होते हैं और मुझे एक पल के लिए भी पसंद करना गवारा नहीं करते। अपर्णा और आदित्य के सामने जिया की पीठ थी, उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। आदित्य का दिल चाहा कि वो उसे बता दे कि वो उसके साथ वैसे नहीं रह सकता जैसे वो रहना चाहती है, लेकिन वो चाह कर भी ये बात नहीं कह सकता था, क्योंकि इस सिचुएशन में कोई नहीं जानता था कि जिया को किसकी कौन सी बात ट्रिगर कर दे। इसलिए उसने अपना लहजा उसी तरह से शांत बनाते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों सोचती हो जिया, जबकि तुम्हें पता है कि मैं तुमसे नफरत नहीं करता। तुम नीचे आओ, हम सुकून से बैठकर बातें करते। तभी लिफ्ट के दरवाजे से किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा, जिया! अपर्णा ने पलट कर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि आरती जी थी, लेकिन जिया ने उनके लिए भी पलटना गवारा नहीं किया था। आरती जी के पीछे अस्पताल स्टाफ और पुलिस की टीम भी खड़ी थी। जैसे ही आरती जी की नजर जिया पर पड़ी और उन्होंने ये महसूस किया कि वो कितने किनारे में है, तो एकदम जोर से चिल्लाकर बेहोश होने को हुई। अपर्णा अनजाने तौर पर इन सब के लिए खुद को मुस्लिम समझ रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह चले जा रहे थे, लेकिन अपर्णा ने बढ़कर आरती जी को संभालने की कोशिश की, लेकिन आरती जी ने उसे एक जोर का धक्का देते हुए कहा, तू रहो, तुम खबरदार जो मेरे पास आने की कोशिश भी की। आज मेरी फूल जैसी बच्ची सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मौत के कगार पर पहुंची है। अपर्णा का दिल चाहा कि वो चीख कर रो पड़े, लेकिन वो जानती थी कि अभी हालात उसे रोने नहीं देने वाले। जबकि अपर्णा को धक्का देकर आरती जी अपना कलेजा पकड़कर वहीं बैठ गई। आदित्य ने जब देखा कि उनकी हालत बिगड़ रही है तो वो जल्दी से उनके पास आते हुए बोले, आप अपने आप को संभालिए मिसेस रॉय। उसके बाद आदित्य ने उनकी पल्स टटोली तो महसूस किया कि उनका पल्स रेट काफी बढ़ा हुआ है। उसने फौरन पीछे खड़े हुए अस्पताल स्टाफ को कहा, जल्दी एक स्ट्रेचर लाओ और इन्हें इमरजेंसी में लेकर चलो। आरती जी लगातार अपना कलेजा पीटते हुए बस जिया के लिए परेशान हुए जा रही थी। मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना, पहले मेरी बेटी को नीचे उतारो, मैं कह रही हूँ। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हो गया तो मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूँगी। आदित्य ने उसकी बात अनसुनी करते हुए जिया की तरफ पलटते हुए कहा, पागल मत बनो जिया, देखो तुम्हारे इस तरह करने की वजह से मिसेस रॉय की तबीयत बिगड़ रही है। क्या तुम किसी दूसरे शख्स के लिए अपनी माँ की बिगड़ी तबीयत का भी ख्याल नहीं करोगी?
समझने की कोशिश करो जिया, अगर तुम आज यहाँ से कूद गई तो सिर्फ तुम्हारी मौत नहीं होगी बल्कि तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारी ये माँ भी चली जाएगी। अपने साथ साथ कम से कम अपनी माँ की जिंदगी खतरे में मत डालो जिया, वापस उतर आओ। आदित्य की इस बात पर जिया ने पलट कर देखा और माँ को ऐसे नीचे जमीन पर बैठा देखकर उसे रोना आ गया, जबकि आरती जी एक हाथ से अपना कलेजा थामे दूसरे हाथ को उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, लौट आ बेटी, ये आदमी इस लायक नहीं है कि तू अपनी जान दे दे। अपनी माँ की हालत देखकर जिया कुछ नरम सी पड़ गई थी, लेकिन ये सिर्फ कुछ पलों के लिए थी। उसने एकदम से अपर्णा को पुकारते हुए कहा, दी मैं जान नहीं दूंगी, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। अपर्णा ने जैसे ही सुना वैसे ही जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैं तेरी कोई भी शर्त पूरी करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज तू नीचे उतर आ, तू जो कहेगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। जिया ने कहा, नहीं दी, मैं ऐसे नहीं उतरूंगी, पहले तुम्हें मेरी शर्त मंजूर करनी होगी। अपर्णा ने जिया से बेचैन होकर पूछा, बता ना तेरी शर्त क्या है, मैं कह तो रही हूँ मान लूंगी सब कुछ, बस तू ये जिद छोड़ दे। कहकर अपर्णा जैसे उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी थी, जबकि उसे इस तरह गिड़गिड़ाता हुआ देखकर न जाने क्यों आदित्य का दिल बैठने लगा था। एक अनजाना सा डर उसे परेशान कर रहा था। तभी जिया ने कहा, तुम्हें डॉक्टर आदित्य से अपना रिश्ता तोड़ना होगा। ये सुनकर अपर्णा के आगे बढ़ते हुए कदम अपने आप ही पीछे होते चले गए और आदित्य ने एक गहरी सांस ली, यूं जैसे उसने जो सोचा था जिया की वही डिमांड थी। अपर्णा को ऐसा महसूस हुआ जैसे अचानक से वहाँ पर मौजूद सारे लोगों का शोर थम गया था, बस तेज हवा उसके कानों में सीटियां बजा रही थी। अपर्णा ने कलेजा थामे पीछे मुड़ते हुए आदित्य को देखा। आदित्य के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जैसे वो जो कुछ भी बोल रही थी या कर रही थी उसका उसे पहले से अंदाजा था। जबकि आदित्य का चेहरा देखते हुए उस वक्त अपर्णा के जेहन में आदित्य से मिलने से लेकर अब तक की सारी यादें एक के बाद एक किसी फिल्म की तरह चलने लगी थी, जैसे उसके ध्यान में आदित्य से बिछड़ने के बाद दोबारा मिलने का सीन आया, वैसे ही उसकी आंखों में खुद उसकी तस्वीर दिखने लगी थी जहाँ वो आदित्य से हमेशा हमेशा के लिए साथ रहने की बातें कर रही थी। और फिर एकदम से उसकी यादों ने उसे अतीत से निकालकर अभी यहाँ वाले पलों में धकेल दिया। अब अपर्णा की नजर जिया पर जा टिकी थी, जबकि जिया इस वक्त अपना चेहरा पीछे की तरफ किए उसे घूरती हुई बेहद भयानक लग रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, ऐसा लग रहा था जैसे अपर्णा के सामने वो शर्त रखकर जिया ने उसे ऐसे दुराहे पर ला खड़ा किया था जिसके बाद उसे बेहद सुकून मिल रहा हो, जबकि अपर्णा के मन में यही चल रहा था जैसे अतीत ने एक बार फिर उसके सामने देविका ओबेरॉय को जिया के रूप में लाकर खड़ा कर दिया है। उसके हाथ पैर ऐसे कांप रहे थे जैसे उनमें कोई जान ही नहीं बची हो। अपर्णा अपनी सोच में ही गुम थी कि तभी आरती जी ने कमजोर आवाज में चिल्लाते हुए कहा, अपनी बहन को मरने से बचा ले अपर्णा, कह दे कि तू कोई रिश्ता नहीं रखेगी, कह देना बेटा मौत के मुंह में खड़ी है तेरी बहन, अब तो तरस खा ले, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। कहते हुए आरती जी की आवाज डूबने लगी थी। इतने में कुछ स्टाफ आरती जी के लिए स्ट्रेचर ले आए थे, लेकिन उन्होंने जाने से सख्त इनकार कर दिया था। अपर्णा के लिए अब जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, दुख और अफसोस से उसका कलेजा जैसे फटकर बाहर आ जाने को तड़प रहा था, उसके गालों पर बेकाबू होकर आंसू बहने लगे। आदित्य उसके सामने खड़ा था और देख रहा था कि वो जिससे प्यार करता है वो किस तरह दोराहे पर खड़ी हो रही थी। अपर्णा लुटे पिटे अंदाज में आरती जी की तरफ बढ़ते हुए बोली, माँ आपको याद है ना, 5 साल पहले जब मैं परेशान हालत में घर लौटी थी तो आपने मुझसे कितना पूछा था कि मुझे क्या हुआ है, मैंने कितने महीने ऐसे ही सदमे की हालत में गुजार दिए थे, क्योंकि ऐसे ही किसी हालात ने मुझे उस शख्स से दूर रहने पर मजबूर कर दिया था जिसे मैं इतना प्यार करती हूँ और जिसके बच्चे की मैं माँ बनने वाली थी। कहकर अपर्णा ने एक सिसकी ली और फिर खुद को संभालते हुए आगे कहा, आज एक बार फिर किस्मत मुझे उस मोड़ पर लेकर चली आई है माँ, मैं उस आदमी को छोड़ने पर मजबूर हूँ जिससे मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, और दुख की बात यह है कि आपने मेरा दुख देखा है, उसके बाद भी आप जिया की इज्जत का सपोर्ट कर रही हैं।
मेरा दुख आपकी नजर में कुछ भी नहीं है माँ, या फिर मैं सिर्फ इसलिए बनी हूँ कि लोग मुझसे अपने हिस्से का बलिदान करवाते रहे। अपर्णा की शिकायत ने आरती जी को सोचने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन रेलिंग पर बैठी जिया को जैसे इस बात का एहसास हुआ कि माँ अपर्णा की बातों पर ध्यान देने लगी है और उस तरफ से सबका ध्यान हट गया है, तब उसने एक बार फिर से चिल्लाते हुए कहा, जल्दी डिसाइड करो दी, तुम्हें आदित्य चाहिए या फिर मेरी जिंदगी। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं कभी भी नीचे कूद सकती हूँ। जिया की धमकी सुनकर अपर्णा ने उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, अगर मेरे वश में होता जिया तो अतीत में जाकर तुझे अपने पैर दे देती, लेकिन मुझसे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीनने की कोशिश मत कर जिया। तो जानती है मैं आदित्य के बिना जीते जी मर जाऊंगी। लेकिन जिया ने सपाट लहजे में कहा, मुझे भावनाओं में नहीं बहना दी, मुझे सिर्फ एक बात याद है, मैंने अपने पैर सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों को बचाने के लिए खोए, और तुम लोग मेरे लिए इतना सा भी नहीं कर सकते। कहते हुए जिया ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, तेज हवा के झोंके ने जिया के कमजोर जिस्म को आगे की तरफ झुका दिया था। जिया आगे गिरने को हुई और डगमगाने लगी थी। उसे इस तरह डगमगाता हुआ देखकर अपर्णा के साथ साथ वहाँ खड़े बाकी लोगों की भी चीख निकल गई थी। अपर्णा ने एकदम से बिलख कर रोते हुए कहा, ऐसा मत कर जिया, पीछे उतरा, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं डॉक्टर ओबेरॉय से अपना रिश्ता खत्म कर रही हूँ, प्लीज नीचे उतर आओ बहन, प्लीज। कहते हुए अपर्णा घुटनों के बल नीचे बैठ गई और एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगी। वही आदित्य जो अब तक आरती जी का हाथ थामे उन्हें सहारा दिए हुए बैठा था, वो एकदम से उनका हाथ छोड़ते हुए निढाल पड़ गया, जैसे अपर्णा के साथ साथ किसी ने उसकी भी सारी ताकत छीन ली हो। लेकिन जिया के मन को तब भी सुकून नहीं पहुंचा। उसे उतारने के लिए जब अस्पताल के स्टाफ आगे बढ़े तो उसने एकदम से सबको रोकते हुए कहा, नहीं, आप लोग वहीं पर रुक जाइए, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। ये सुनकर अपर्णा के साथ साथ आदित्य भी चौंक कर जिया का चेहरा देखने लगा। तब जिया ने अपनी आखिरी बात कही, ऐसे नहीं दी, तुम्हें शुभम की कसम खाकर ये बात कहनी होगी कि तुम डॉक्टर ओबेरॉय से कोई रिश्ता नहीं रखोगी। अपर्णा को ऐसा लगा जैसे किसी ने एक साथ सैकड़ों हथौड़ों से उस पर वार कर दिया हो। उसने तड़प कर कहा, ये गलत है जिया, मैं तुम्हें अपनी जान की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं डॉक्टर ओबेरॉय से कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। लेकिन जिया को जैसे किसी भी पल सुकून नहीं था। उसने उसी तरह अटल लहजे में कहा, मुझे वो सब कुछ नहीं सुना दी, अगर तुम चाहती हो कि मैं नीचे कूदने के बजाय वापस तुम लोगों की तरफ लौट आऊं तो तुम्हें ये कसम खानी पड़ेगी। बोलो कि तुम शुभम की कसम खाकर कहती हो कि तुम डॉक्टर ओबेरॉय के साथ कोई रिश्ता नहीं रखोगी। क्या जिया को सुसाइड से बचाने के लिए अपर्णा को खानी होगी शुभम की कसम? क्या टूट जाएगा अपर्णा और आदित्य का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए? जानने के लिए सुने कमबख्त मोहब्बत का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जिया सुसाइड करने के लिए हॉस्पिटल की छत से रेलिंग पर जा बैठी थी। उसे नीचे उतारने के लिए अपर्णा ने जब मनाने की कोशिश की तो उसने अपर्णा के लिए एक नामुमकिन सी शर्त रख दी। अपर्णा को खामोश देखकर जिया ने एक बार फिर से चिल्लाते हुए कहा, मैं कहती हूँ कसम खाओ दी, वरना मैं सच में कूद जाऊंगी। अपर्णा ने रोते हुए कहा, मुझसे मेरी जिंदगी मत छीनो जिया। जिया ने गुस्से भरे लहजे में चुंचला कर कहा, तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो दी? तुमने अपनी बहन की सबसे बड़ी खुशी छीन ली, तुम्हारे लिए अपनी बहन की जिंदगी से बढ़कर ये रिश्ता है? मेरे तीन तक गिनती अगर तुमने इस बात के लिए शुभम की कसम नहीं खाई तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। मेरे मरने के बाद तुम जो चाहे कर लो, लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। ये कहकर जिया ने गिनती शुरू कर दी। एक पूरी छत पर सन्नाटा छाया हुआ था। हर कोई दम साधे अपर्णा की तरफ देख रहा था कि वो क्या फैसला लेती है। आदित्य की उम्मीद भरी नजरें अपर्णा के चेहरे पर टिकी थी और अपर्णा का दिल चाह रहा था कि वो जिया को वहाँ से हटाकर खुद ही नीचे कूद जाए, लेकिन वो जानती थी कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है। जिया का अगला शब्द जैसे फिजा में गूंज उठा, दो। अपर्णा ने तड़प कर अपने हाथ अपने सीने पर रख दिए। उसे इस वक्त अपना सांस लेना भी दुभर लग रहा था। उसका पूरा जिस्म जैसे कांपने लगा। तभी आदित्य की आवाज आई, रुको जिया। इतना कहकर उसने अपने पॉकेट में मौजूद एक मखमली रिंग बॉक्स अपनी मुट्ठी में जोर से जकड़ लिया।
इसमें वही डायमंड रिंग थी जो आज अपर्णा को पहनाने वाला था वो। लेकिन शायद इस अंगूठी को अपर्णा की उंगलियां नसीब नहीं थी। आदित्य की आवाज सुनकर अपर्णा के साथ साथ बाकी लोग भी उसकी तरफ देखने लगे थे। आदित्य ने आगे कहा, अपर्णा मुझे पता है कि ये फैसला लेना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। मैंने कहा था कि मेरे साथ रहने के लिए मैं तुमसे ये कभी नहीं चाहूंगा कि तुम किसी मुश्किल में पड़ो, इसलिए आज मैं खुद तुमसे ये रिश्ता तोड़ रहा हूँ। आज के बाद हम और तुम उतने ही अजनबी हैं जितने आज से 5 साल पहले थे। अपर्णा के मुंह से एक सिस्कारी सी निकली और उसने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं मिस्टर ओबेरॉय, इस बार नहीं, इस बार हम अलग नहीं हो सकते। लेकिन आदित्य की आंखों में जैसे शोले उतर आए थे। उसने धीरे से कहा, नहीं अपर्णा, शायद हमारी किस्मत भी हमसे यही चाहती है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ना रहें। हालांकि मैं किसी भी कीमत पर अपनी आगे की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता था, लेकिन मैंने अगर ऐसा किया तो ये बहुत बड़ी कीमत होगी। मैं कल भी तुम्हारे लिए डर गया था और आज भी। सिर्फ इसी वजह से आज भी मैं तुमसे दूर जाने के इस फैसले को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि फिलहाल के लिए यही सही है। फिर उसने आरती जी की तरफ मुड़ते हुए कहा, मिसेस जॉय, अगर आप दोनों अपर्णा की जिंदगी में नहीं रहती, फिर चाहे कैसे भी हालात रहते, मैं अपर्णा को कभी नहीं छोड़ता। लेकिन ये अपर्णा की बदकिस्मती ही है कि आप दोनों उसकी फैमिली हैं। हर बार मैंने आप दोनों को अपर्णा को दुख पहुंचाते हुए देखा है, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया सिवाय इसके कि मैं उसके आंसू पोंछ सकूं। मैं उसे आप लोगों को ऐसे हर बार चोट पहुंचाते हुए नहीं देख सकती, इसलिए बेहतर है कि मैं उसकी जिंदगी से दूर चला जाऊं। आदित्य के शब्द ऐसे थे कि वहां मौजूद हर किसी की आंखें भीग सी गई थी। सिर्फ एक जिया थी जिसे ये सब सुनकर बेहद सुकून महसूस हो रहा था। आखिर उसके पैर उन दोनों की वजह से तो कटे थे, अब उन दोनों को वैसे ही जिंदगी भर की तकलीफ देकर जिया को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी खुद की तकलीफ कम हो गई हो। आदित्य इतना कहकर तेजी से नीचे उतरता चला गया और अपर्णा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके दिल और दिमाग से उसका खुद का कंट्रोल खत्म हो गया है। उसे कुछ पता नहीं चला कि कैसे लोगों ने जिया को रेलिंग से उतार कर आरती जी के साथ नीचे उनके कमरों में पहुंचाया था। वो देर तक खाली आंखों से आसमान को निहारती रह गई। उसके दिलो दिमाग इस वक्त एक एहसास से खाली थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास एक बड़े से शून्य के अलावा और कुछ भी नहीं है। नीचे पहुंचकर आरती जी के कानों में अभी तक आदित्य के लफ्ज गूंज रहे थे। अब सब कुछ शांत होने के बाद आरती जी को समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने जो कुछ किया वो सही था या नहीं। लौटते हुए उन्होंने बस हल्की सी जिया को डांट कर कहा, अब आइंदा ऐसी कोई हरकत मत करना जिया, तूने मुझे बहुत डरा दिया था बेटा। जिया ने जवाब में कुछ भी नहीं कहा। इधर आदित्य अपर्णा से रिश्ता तोड़ने के बाद हद से ज्यादा बेचैनी महसूस कर रहा था। यही वजह थी कि उसके कदम अपने आप एक बार की तरफ बढ़ गए थे। उसे अच्छी तरह से पता था कि अभी अगर वो होश में रहा तो उसके लिए ये सब सहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो बार में आकर एक के बाद एक कई पैग लगाता चला गया। उसकी नजरों में रह रहकर अपर्णा का उदास चेहरा घूम रहा था। कितना खुश था वो अपर्णा के लिए अंगूठी बनाते हुए। न जाने कितनी बार उसके दिलो दिमाग में अपर्णा की उंगली में ये अंगूठी पहनाने का ख्याल आ रहा था और जैसे एक ही पल में उसके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। उसने मन ही मन अपर्णा से कहा, मैं जानता हूँ कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं भी वो फैसला लेने पर मजबूर था। अपर्णा तुम मेरी जिंदगी थी, तुमसे दूर जाने का मैं सोच भी नहीं सकता, लेकिन ये सब क्या हो गया। आदित्य काफी देर तक वहीं बैठकर पीता रहा, यहाँ तक कि बार बंद होने का टाइम आ चुका था। जब उसने एक और बार ड्रिंक की फरमाइश की तो मैनेजर ने उसे आकर कहा, आई एम सॉरी सर, अब बार बंद होने का वक्त हो गया है, हम आपको और ड्रिंक सर्व नहीं कर सकते, और वैसे भी ऑलरेडी आपने काफी शराब पी ली है। आदित्य उसे सॉरी कहता हुआ वहां से उठ गया, लेकिन उसके लड़खड़ाते हुए कदम उसे अच्छी तरह से एहसास दिला रहे थे कि उसका अकेले घर तक जाना मुश्किल है। तभी पीछे से किसी ने उसे पुकारा, आदित्य तुम यहाँ? आदित्य ने इस आवाज पर पलट कर देखा तो सामने रेवती खड़ी थी। रेवती ने उसे लड़खड़ाते देखा तो चौंक कर बोली, तुमने इतनी शराब क्यों पी रखी है, सब ठीक तो है, तुम तो कभी ड्रिंक नहीं करते। आदित्य ने जवाब में कुछ नहीं कहा, वो बस खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसने फिर आगे जाने के लिए अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, अब मुझे घर चलना चाहिए, काफी देर हो गई,
लेकिन ये कहकर जैसे ही वो दरवाजे की तरफ मुड़ा वैसे ही उसके कदम लड़खड़ाने लगे। रेवती ने उसे झट से संभाला, लेकिन तब तक आदित्य अपने होश खो चुका था। रेवती ने अपने साथ खड़े अपने दोस्तों से उसे सहारा देने के लिए कहा और आदित्य को संभालते हुए अपनी कार में ले आई थी। अभी रेवती ड्राइव करके थोड़ी ही दूर गई थी कि तभी आदित्य की आंख खुल गई। उसने सीधे होते हुए कार से बाहर देखा तो कुछ चौंक सा। ये रास्ते उसके घर की तरफ नहीं जा रहे थे। उसने थरथराती हुई आवाज में पूछा, ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? रेवती ने उसके इतनी जल्दी होश में आने के बारे में नहीं सोचा था। फिर उसने जल्दी से कार यू टर्न मोड़ते हुए कहा, मुझे लगा तुम अपने होश में नहीं हो तो इस वक्त तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए, यही सोचकर मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाह रही थी। आदित्य उसे आगे कुछ कहता, लेकिन जब उसने देखा कि अब रेवती ने गाड़ी उसके घर की तरफ मोड़ ली है तो फिर वो खामोश हो गया। उधर अपर्णा ने टैक्सी तो कर ली थी, लेकिन कुछ घंटे पहले होने वाली उन सारी बातों ने उसे बुरी तरह से डिस्टर्ब कर रखा था, इसलिए उसने टैक्सी ड्राइवर को अपने घर का पता बताने की बजाय आदित्य के घर का पता बता दिया था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी सोचने समझने की ताकत खत्म हो चुकी है। इधर रेवती ने जैसे ही आदित्य की बिल्डिंग के नीचे कार पार्क की, वैसे ही आदित्य दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। तब रेवती ने एकदम से उसका हाथ थाम कर कहा, रुको मैं साथ चलती हूँ। लेकिन आदित्य सपाट लहजे में बोला, मैं ठीक हूँ, मैं खुद चला जाऊंगा। रेवती उसके इस तरह उखड़े हुए रवैये पर कुछ हर्ट होते हुए बोली, मैं मंगेतर हूँ तुम्हारी आदित्य, तुम मुझसे इस तरह बर्ताव क्यों कर रहे हो जैसे मुझे जानते तक नहीं? आदित्य ने उसे एक गहरी नजर से देखते हुए कहा, हो नहीं थी, और ये बहुत अजीब है रेवती कि तुम मुझसे ये सवाल करने की हिम्मत भी कैसे कर पा रही हो। तुमने जानबूझकर खुद से गिरने के बाद अपर्णा को फंसाने की कोशिश की, तुमने गुंडे भेजकर उसका रेप करवाने की कोशिश की, और तो और उस पर एसिड अटैक करवाने की साजिश रची। उसके बाद भी तुम ये पूछती हो कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा हूँ। आदित्य की बात सुनकर रेवती शर्मिंदा होने के बजाय एकदम से उसके गले लगते हुए बोली, कितनी बातें दिल में रखी बैठी हो तुम, क्या हम उसे भूलकर एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? कहकर उसने एकदम से आदित्य के होठों पर अपने होंठ टिका दिए, और यही वो पल था जब अपर्णा वहाँ पहुंची थी। उसने देखा कि अपनी बिल्डिंग के नीचे आदित्य किसी लड़की के साथ खड़ा था, और अगले ही पल वो उस लड़की के गले से लगकर उसके होठों को चूमने लगा था। तभी जैसे ही दोनों पलटे, वैसे ही टैक्सी के अंदर बैठी हुई अपर्णा को लड़की का चेहरा दिख गया, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रेवती थी। अपर्णा को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो हर तरफ से ठगी जा चुकी है। अपर्णा ने ड्राइवर को गाड़ी रोकने से मना किया, और फिर खुद आदित्य के घर से कुछ दूर जाकर उसने टैक्सी रुकवाई और उतर गई। अब वो पैदल ही चलती चली जा रही थी, उसे कुछ होश ही नहीं था। जबकि उधर आदित्य रेवती के अचानक से किस करने पर सत्ते की हालत में खड़ा का खड़ा रह गया। लेकिन जैसे ही उसे ख्याल आया कि रेवती उसके साथ क्या कर रही है, उसने एकदम से खुद से रेवती को दूर करते हुए कहा, हर किसी को अपने कर्मों की सजा भुगतनी होती है रेवती, मैं इतना बड़ा दिल नहीं रखता कि तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी गलतियां माफ कर सकूं। और हाँ, तुमने अभी जो कुछ भी किया है, आइंदा ऐसा कुछ भी करने की सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहकर आदित्य लिफ्ट में चला गया, जबकि रेवती गुस्से में दांत पीसते हुए काफी देर तक वहीं पर खड़ी रह गई। आदित्य ने भले ही अपनी तरफ से रिश्ता खत्म करने का ऐलान कर दिया था, लेकिन अभी तक रेवती ने हार नहीं मानी। इधर अपर्णा बिना रुके चली जा रही थी। वो खुद से इस उलझन को सुलझाने की कोशिश में थी कि आखिर आदित्य इतने बड़े दुख के बाद रेवती को गले लगाकर चूम कैसे सकता है। उसकी आंखों से बेआवाज आंसू बहते चले जा रहे थे। इतने बड़े बड़े सदमे बर्दाश्त करने की जैसे उसके अंदर ताकत ही नहीं बची थी। यही वजह थी कि बेध्यानी में चलते चलते वो अपने घर आ पहुंची थी। उसने अपनी चाबी से दरवाजा खोला तो सामने आरती जी को देखकर उसकी आंखों में एक बार फिर सूनापन उतर आया था, जबकि आरती जी उसी की वजह से अस्पताल से घर आ गई। उनके अंदर का गिल्ट उन्हें अपर्णा को अकेला छोड़ने के लिए इजाजत नहीं दे रहा था। जैसे ही उनकी नजर अपर्णा पर पड़ी वो चौंक सी गई। अपर्णा पूरी तरह से बारिश में भीगी हुई थी। उन्होंने एकदम से उसके पास जाकर कहा,
अपर्णा, इतना भीग कैसे गई बेटा? ये बारिश तो बीमार करने वाली बारिश है। इस मौसम की बारिश में भला कोई ऐसे भीगता है क्या? चल जल्दी से, मैं तेरे कपड़े निकाल देती हूँ। अपर्णा शून्य में निहारते हुए सीधे अपने कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, जबकि ये देखकर आरती जी के हाथ पैर फूल गए। उन्हें लगा कि कहीं दुख और अफसोस में अब अपर्णा कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए उन्होंने जोर जोर से अपर्णा का दरवाजा नॉक करते हुए कहा, अपर्णा बेटा ऐसा मत कर, अपनी माँ के लिए दरवाजा खोल दे बेटा। मैं कैसे इतने बड़े दुख सह पाऊंगी, कभी तू तो कभी जिया, मेरे लिए तो तुम दोनों बराबर हो। अंदर अपने बेड पर निढाल लेटी अपर्णा ने जब माँ की ये बात सुनी तो उसके होंठों पर एक तंज भरी हंसी बिखर गई थी। फिर उसने सपाट लहजे में कहा, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो और बेफिक्र रहो माँ, मुझे अगर कोई ऐसा वैसा कदम उठाना होता तो मैं उसी वक्त मर गई होती जिस वक्त जिया ने मेरे सामने वो शर्त रखी थी। लेकिन अब मुझे बस सुकून से रहने के लिए छोड़ दो माँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ। छत को ताकते हुए जब अपर्णा ये सब कह रही थी तो उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। यही सब सोचते हुए कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला, और फिर जब उसकी आंख खोली तो सुबह हो चुकी थी। उसे महसूस हुआ कि वो ठीक से उठ भी नहीं पा रही है। उसने किसी तरह से खुद को संभाल कर उठने पर मजबूर किया और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आई, लेकिन फिर एकदम से कटे हुए तने की तरह बेहोश होकर नीचे गिर गई। जब अपर्णा की आंख खुली तो वो अस्पताल में थी। उसने घबराकर सामने खड़ी नर्स से पूछा, क्या हुआ सिस्टर, मैं यहाँ अस्पताल में क्यों? तब नर्स ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हारे साथ ऐसा बस कमजोरी की वजह से हुआ है, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। ये खबर सुनते ही अपर्णा के कानों में जैसे मंदिर की घंटियां बजने लगी थी। क्या इस प्रेगनेंसी के साथ खत्म होने वाली थी अपर्णा की मुसीबतें? जानने के लिए सुने कमबख्त मोहब्बत का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जिया की शर्त के आगे आदित्य ने ही आगे बढ़कर अपर्णा से रिश्ता खत्म करने की बात कही और वहाँ से चला गया। अपर्णा ने उसे और रेवती को किस करते हुए देखा तो उसे एक और सदमा सा लग गया। अगले दिन जब अपर्णा सोकर उठी तो उसे चक्कर आया और वो बेहोश हो गई। हॉस्पिटल में उसकी आंख खोलने पर नर्स ने बताया कि वो माँ बनने वाली है। नर्स की बात सुनकर अपर्णा को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो माँ बनने वाली है। उसने बेचैनी से पूछा, क्या सच में सिस्टर आप झूठ तो नहीं बोल रही हैं? नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मैं झूठ क्यों बोलूंगी, 2 महीने की प्रेगनेंसी भी हो चुकी है आपकी। ये सुनते ही अपर्णा को ये ख्याल आया कि पिछले कुछ दिनों से वो कितनी मुसीबत से गुजर रही थी। उसने जल्दी से पूछा, बीबी ठीक तो है ना? नर्स ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, मिस अपर्णा बच्चा बिल्कुल ठीक है, बस आपको थोड़ा ठीक से रहने की जरूरत है, साथ ही आपको पूरी तरह से अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, हाइड्रेटेड रहना है, वरना जितनी कमजोर आप हैं उससे अबॉर्शन का खतरा बना रहता है। ये सुनते ही अपर्णा ने जल्दी से अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं नहीं सिस्टर रमा प्लीज ऐसे मत कहिए, मैं अपने बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगी। हालांकि अपर्णा का चेहरा बुरी तरह से पीला पड़ा हुआ था, लेकिन अपने माँ बनने की खबर सुनकर उसके चेहरे पर एक अलग ही तरह की चमक आ गई थी। उसने मन ही मन अंदाजा सा लगाया, अगर मेरी प्रेगनेंसी को 2 महीने हो चुके हैं तो इसका मतलब जब मुझ पर गुंडों ने हमला किया था उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी। ये सोचते हुए उसने एकदम से खुश होकर मन ही मन कहा, जब इतना कुछ झेलने के बाद ये बेबी अब तक मेरे पास है तो आगे भी वो आने वाले हालात से लड़ लेगा, और मुझे पक्का यकीन है कि ये बेबी शुभम के लिए करिश्मा बनकर आएगा। नर्स जब वहाँ से चली गई तो आरती जी और व्हील चेयर पर बैठी जिया अंदर आ गई। आरती जी ने फिक्र भरे लहजे में कहा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो, एक बार ये सब पाप करके मन नहीं भरा जो दोबारा ये सब करने की हिम्मत जुटाई तुमने, मेरे आजाद ख्याल होने का तुम ऐसे गलत फायदा उठा रही हो, तुम्हें ये शर्म नहीं आती कि 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, बिन ब्याही लड़की 2 बार माँ बन चुकी है, अरे अपनी नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल किया होता, लेकिन नहीं तुम्हें तो अपनी अय्याशी और रंगरलिया पसंद है, और जब दिल चाहे पेट में एक बच्चा लेकर चली आओ। माँ की बात सुनकर अपर्णा ने तड़पते हुए उनकी तरफ देखा। कभी कभी उसे शक होने लगता था कि क्या आरती जी वाकई उसकी सही माँ है। उसका दिल चाहा कि वो माँ को एक्सप्लेन करे कि उसे शुभम के होते हुए दूसरे बच्चे की जरूरत क्यों महसूस हुई,
लेकिन वो जानती थी कि माँ इसमें भी कोई ना कोई तर्क जरूर ढूंढ लेगी, और वैसे भी इतनी अच्छी खबर सुनकर उसे अभी बेहद अच्छा लग रहा था। वो माँ को जवाब देकर अपने मन में कड़वाहट नहीं भरना चाहती थी, इसलिए उसने बस धीरे से दूसरी तरफ मुंह फेरते हुए कहा, मुझे आराम करने की जरूरत है माँ, प्लीज अभी ऐसी बातें मत करो जिससे मुझे टेंशन हो। तब आरती जी ने उकताए हुए लहजे में कहा, तुमसे तो बात ही करना बेकार है, ठीक है तुम आराम करो, मैं जिया की डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी करके आती हूँ। ये सुनते ही अपर्णा ने चौंकते हुए पूछा, क्या जिया को डिस्चार्ज मिल रहा है? आरती जी ने कुछ जरूरी पेपर समेटते हुए कहा, हाँ फाइनली अब हम मुंबई के लिए निकल सकते हैं। कहकर उन्होंने जिया का व्हीलचेयर पकड़ा और धीरे धीरे करते हुए उसे उसके कमरे से बाहर की तरफ ले जाने लगी, जबकि अपर्णा जिया के डिस्चार्ज का सुनकर खुश हो गई। अभी अभी उसका इतने बड़े हादसे से गुजरना और फिर सुसाइड की कोशिश करना हुआ था, ऐसे में अभी उसे बहुत देखभाल की जरूरत थी। उसके दिमाग की हालत इतनी जल्दी स्टेबल हो गई होगी इस पर अपर्णा को शक था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन तीनों घर लौट आए थे। अपर्णा जब सोकर उठी तो उसके सामने शुभम बैठा हुआ था। उसने प्यार से अपर्णा के गले में पाही डालते हुए कहा, मम्मा आप उठ गए, मुझे लगा था मुझे न जाने और कितनी देर तक इंतजार करना पड़ेगा। उसके सिर पर अपर्णा ने हाथ फेरा और बोली, तुम यहाँ कैसे? शुभम उसके पास लेटते हुए बोला, मुझे नानी माँ यहाँ लेकर आई। अपर्णा को एक धक्का सा लगा। तभी आरती जी कमरे में आते हुए बोली, शुभम तुम्हारे लिए दूध रख दिया है, जाओ पी लो। शुभम जी नानी माँ कहकर बाहर निकल गया, जबकि अपर्णा ने आरती जी को कंफ्यूज होकर देखते हुए पूछा, शुभम को लाने की क्या जरूरत थी? तब आरती जी ने उसके कमरे की चीजें सही करते हुए जवाब दिया, हाँ मैं लेकर आई शुभम को और मुझे यही बेहतर लगा, एक बार फिर से पूरा परिवार साथ रहेगा तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। अभी अपर्णा कुछ जवाब देना चाह ही रही थी कि तभी उसका फोन बज उठा। किसकी कॉल हो सकती है? उसने आरती जी से कहा, माँ ऑफिस से कॉल है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हो? आरती जी ने कुछ अजीब अंदाज से उसे देखा, जैसे कि उस पर शक कर रही है। उन्हें पूरा यकीन हो रहा था कि ये कॉल आदित्य की ही होगी, लेकिन फिर वो बिना कुछ बोले ही बाहर निकल गई। उनके जाते ही अपर्णा ने झट से फोन रिसीव करते हुए हेलो कहा। दूसरी तरफ से आदित्य ने सपाट लहजे में जवाब दिया, मैं आदित्य बोल रहा हूँ। अपर्णा को उसका लहजा इस वक्त एकदम पराये जैसा लग रहा था। आदित्य के बोलने के अंदाज से अपर्णा को अचानक से वो सीन याद आ गया जब वो उससे सारे रिश्ते तोड़कर रेवती को किस कर रहा था। अपर्णा के दिल में जैसे कचूट सी उठी। उसने आगे कहा, आज मिसेस रॉय शुभम को यहाँ से लेकर गई हैं। अपर्णा का दिल चाहा कि उससे पूछे कि उसने शुभम को आने क्यों दिया। उनका रिश्ता टूटा है, इसका मतलब ये नहीं कि अब शुभम का भी उससे कोई रिश्ता नहीं है। शुभम का डैड तो वो अभी भी है, लेकिन वो चाहकर भी उससे कोई सवाल नहीं कर सके। दोनों यूं ही फोन पकड़े काफी देर तक खामोश रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे उनका रिश्ता क्या खत्म हुआ, उनके बीच के शब्द भी खत्म हो गए। अपर्णा ने धीरे से ओके कहा। आदित्य ने उसकी लंबी चुप्पी के बाद पूछा, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है अपर्णा कि हमारे बीच सब कुछ खत्म हो सकता है? ये सुनकर अपर्णा कुछ घबरा सी गई, लेकिन वो फिलहाल ये नहीं चाहती थी कि वो आदित्य से इस डायरेक्शन में कोई बात करे, इसलिए उसने जल्दी से कहा, डिनर रेडी हो गया है माँ, डिनर के लिए बुला रही है, मैं रखती हूँ। हालांकि उसके ऐसे अचानक से कॉल रखने की बात सुनकर आदित्य ने तेज आवाज में उसका नाम पुकारा, अपर्णा। लेकिन अपर्णा तब तक कॉल कट कर चुकी थी। हालांकि उसे इतनी जल्दी कॉल कट करने पर अब अफसोस हो रहा था, लेकिन वो जानती थी कि अब दोनों ही और किसी तरह की बात शायद ही कर पाए। अपर्णा के फोन रखने के बाद आदित्य एक बार फिर से उन पलों के बारे में सोचने लगा जब आरती जी शुभम को लेने के लिए आई थी। पहले तो उसे ये बात बहुत अटपटी सी लगी। भले ही उसने अपर्णा से सारे रिश्ते खत्म करने का ऐलान कर दिया था, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं था कि वो शुभम से भी अपनी दावेदारी छोड़ देगा। लेकिन अपर्णा के अकेले होने का हवाला देकर आरती जी ने उसे शुभम को अपने साथ भेजने पर राजी कर ही लिया था। लेकिन जाते जाते आदित्य ने उनसे कहा, मिसेस रॉय अगर मैंने अपर्णा को छोड़ दिया है और मैं आपको शुभम को भी ले जाने दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आपका हर फैसला मंजूर होगा।
मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ कि आप अगर सब कुछ खत्म करने की कोशिश कर रही हैं, तो ये अंत नहीं है। मैं अभी अपर्णा के लिए हालात मुश्किल नहीं बना सकता, क्योंकि मैं आपके और आपकी दूसरी बेटी जिया की तरह नहीं हूँ जो अपर्णा से इस बात की कुर्बानी लूँ कि वो मुझसे प्यार करती है। आरती जी खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी, जबकि आदित्य ने आगे कहा, क्योंकि आप और जिया जो चाहते हैं उसे पाने के लिए आप हर बार अपर्णा को इमोशनली ब्लैकमेल करके उससे वो चीज छीन लेते हैं, और मैं अपनी तरफ से अपर्णा को ऐसा कोई दुख नहीं देना चाहता, लेकिन मुझे न जाने क्यों ये भी यकीन है कि एक न एक दिन आप हमें एक होने के लिए अपना आशीर्वाद जरूर देंगे। आरती जी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, लेकिन वो मन ही मन आदित्य से बोली, मैं अपने जीते जी तुम्हें इस बात का आशीर्वाद कैसे दे सकती हूँ आदित्य, जबकि जानती हूँ कि तुम्हारे परिवार से जुड़ना मेरी बेटी की जिंदगी पर खतरा हो सकता है। तुम दोनों के फ्यूचर के लिए यही सही है कि तुम दोनों एक दूसरे से दूर रहो। वहाँ से निकलकर टैक्सी में बैठने के बाद भी आरती जी का ध्यान आदित्य की ही बातों में उलझा हुआ था। आती जाती गाड़ियों को देखते हुए आरती जी अब भी उसे ख्यालों में बातें किए जा रही थी। शायद तुम ठीक कह रहे थे कि मैं तुम दोनों के रिश्ते को अभी एक्सेप्ट कर लेती, क्योंकि मैं हार मानने लगी थी, लेकिन अब जिया की इस हालत में पहुंचने के बाद तो मैं कतई ये सब नहीं कर सकती। तुम्हें अपर्णा को छोड़ना ही होगा, चाहे अपनी मर्जी से या फिर हालात के हाथों मजबूर होकर, और मेरी मजबूरी है कि मैं तुम दोनों के रिश्ते के लिए हामी नहीं भर सकती, और ना ही वो वजह बता सकती हूँ जो अतीत के पन्नों की गहराई में छुपा दी है मैंने। रात के खाने पर तीनों माँ बेटी और शुभम मौजूद थे। अपर्णा थोड़ा सा ही खाना खाकर अपने कमरे में चली आई। उसे इस वक्त कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा था। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि तभी व्हीलचेयर पर बैठी जिया उसके कमरे में आई। अपर्णा ने उसे गौर से देखा तो पाया कि उसने अपने एक हाथ में सूप का बोल थाम रखा है। उसने अपर्णा के पास आकर कहा, ये चिकन सूप माँ ने तुम्हारे लिए बनाया है, और कहा है कि तुम्हें पीकर अच्छा लगेगा और एनर्जी भी मिलेगी। अपर्णा उसके अंदर आए अचानक से इस बदलाव से कुछ हैरान और कुछ खुश थी। उसे ये देखकर अच्छा लगा कि रिश्ता सही करने के लिए जिया ने अपने तौर पर कोशिश की है। अपर्णा ने सूप का बोल थाम कर प्यार से उसके गालों को थपकाते हुए कहा, थैंक यू सो मच। खाना तो मैं ठीक से खा नहीं पाई, लेकिन अब इस चिकन सूप की खुशबू बता रही है कि कितने मजे का है। मैं तो इसे पूरा फिनिश करूंगी। फिर उसने प्यार से एक चम्मच जिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम भी लो ना। लेकिन जिया ने जल्दी से इनकार करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैंने काफी दिनों बाद माँ के हाथ का खाना खाया तो काफी कुछ खा लिया था, अब तो मेरे पेट में जगह ही नहीं है, तुम लो ना। कहकर वो वहां से चली गई। अपर्णा ने सूप फिनिश किया तो उसे वाकई अब कुछ बेहतर महसूस हो रहा था। शुभम को साथ लिए वो जल्दी ही सो गई थी, लेकिन आधी रात को पेट दर्द ने उसे जागने पर मजबूर कर दिया। थोड़ी देर तक उसने दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश की, लेकिन जब उसका दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने धीरे से शुभम को जगाते हुए कहा, बेटा प्लीज जाकर नानी माँ को कहो कि आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। शुभम एक आवाज में उठकर बैठ गया और उसने अपर्णा को बेचैन देखकर कहा, क्या हुआ माँ, आप इतने परेशान क्यों हैं? अपर्णा ने अपने होठों पर एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट लाते हुए कहा, माँ के पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है बेटा, आप प्लीज जल्दी जाइए और नानी माँ को बुलाकर लाइए। शुभम ने वैसा ही किया। कुछ ही देर में आरती जी नींद से बौखलाई हुई उसके कमरे में मौजूद थी। उन्होंने अपर्णा को ऐसे दर्द से तड़पते हुए देखा तो बोली, मैं अभी एम्बुलेंस को फोन करती हूँ, तू घबराना मत। कहकर उन्होंने जैसे ही अपर्णा की दूसरी तरफ के सिरहाने से उसका फोन उठाने की कोशिश की, वैसे ही बेड पर फैले हुए खून के धब्बों ने उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। आरती जी लगभग चीखते हुए बोली, अपर्णा ये क्या है? अपर्णा ने चौंक कर पलटते हुए पीछे देखा और हैरानी से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना खून नहीं देखा था। क्या अपर्णा का मिसकैरेज हो गया था? क्या बचा पाएगी अपर्णा अपने बच्चे को? जानने के लिए सुने कमबख्त मोहब्बत का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अपर्णा ये सुनकर बेहद खुश थी कि वो दोबारा माँ बनने वाली है, लेकिन जिया को ये खबर बेचैन कर गई थी। आधी रात को अपर्णा के पेट में भयानक दर्द हुआ और उसके बेड पर खून ही खून फैल गया।
खून से लथपथ अपना बिस्तर देखकर अपर्णा की जैसे रूह कांप सी गई थी। उसके बाद उसे होश नहीं रहा। उसकी आंखें जब खुली तो वो हॉस्पिटल में थी। उसने सामने खड़ी आरती जी को देखते ही पूछा, माँ बेबी ठीक तो है ना? आरती जी कुछ कहती उससे पहले ही पास खड़ी नर्स ने कहा, सॉरी मिस अपर्णा, हम बच्चे को नहीं बचा सके। ये सुनते ही अपर्णा को ऐसा लगा जैसे वो किसी गहरी खाई में गिर गई है जहाँ से उसका निकलना नामुमकिन है। अभी अभी तो उसे ये खबर मिली थी कि उसका बच्चा और शायद शुभम का लाइफ सपोर्ट इस दुनिया में आने वाला है, और अभी इतनी जल्दी उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने अपने सिर्फ एक बच्चे को नहीं खोया बल्कि अपने दूसरे बच्चे को भी खोने के कगार पर पहुंच गई। अपर्णा ने तड़पते हुए कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे मेरी बेबी को खतरा हो। तब नर्स ने उसे समझाते हुए कहा, मिस अपर्णा, आपका मिसकैरेज नेचुरली नहीं हुआ है बल्कि हमें टेस्ट से ये पता चला है कि ये कोई अबॉर्शन करने वाली दवाई से हुआ है। ये सुनकर अपर्णा के जैसे होश गुम हो गए। इतना कहकर नर्स वहाँ से चली गई, जबकि अपर्णा ने एकदम से आरती जी का हाथ पकड़कर उन्हें झिझोड़ते हुए कहा, माँ आप उनसे बात करो ना कि ऐसा नहीं हो सकता। मैंने ऐसी कोई गोली नहीं ली है और न ही मैंने ऐसा कुछ खाया पिया है। वो आखिरी चीज मैंने जो खाई थी वो चिकन सूप था जो तुमने बनाकर भेजा था। ये कहते हुए अचानक से अपर्णा खामोश सी हो गई। चिकन सूप जो उसे जिया ने ही ला कर दिया था। ये ख्याल आते ही उसने मन ही मन खुद को समझाते हुए कहा, नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है, भला जिया ऐसा क्यों करेगी। और फिर ये सब सोचते हुए अचानक से अपर्णा की नजर कोने में बैठी जिया के चेहरे पर पड़ी। वो बेहद सुकून से बैठी हुई थी। अपर्णा कुछ देर तक उसका चेहरा लगातार देखती रही तो उसे महसूस हुआ कि जिया उसे एक शैतानी स्माइल दे रही है। उसने बेयकीनी भरी नजरों से जिया को देखते हुए कहा, वो सूप तुम लेकर आई थी जिया, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तब जिया ने गुस्से से भरे हुए लहजे में कहा, क्या इम्पॉसिबल है दी, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, वो अबॉर्शन की पिल्स मैंने ही तुम्हें दी थी। जिया के शब्द थे या जैसे कोई चाबुक की मार जिससे अपर्णा की रूह तक जख्मी हो गई। उसने तड़प कर कहा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो जिया? तब जिया ने गुस्से से कहा, तुमने मेरे साथ क्या किया दी, वो जो एक बहन दूसरी बहन के बारे में सोच भी नहीं सकती तो मैंने भी वही कर दिया। तुम्हारे और डॉक्टर ओबेरॉय के रिश्ते को आगे ले जाने वाली कड़ी को ही खत्म कर दिया मैंने। अब मनाओ खुशियाँ, तुम्हें लगता है मुझे इस कगार पर पहुँचाकर तुम सुकून से रह लोगी। जिया ने ये बात जैसे ही खत्म की वैसे ही आरती जी का एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर पड़ा। नीच, अपनी बहन के साथ ऐसा करते तुझे शर्म नहीं आई? जबकि अपर्णा बिलख कर रोते हुए बोली, तुमने ये बहुत गलत किया जिया, बहुत गलत। तुमने मेरे बच्चे को नहीं मारा बल्कि शुभम के लिए इकलौती उम्मीद को भी तोड़ दिया। वो बच्चा जिससे शुभम का बोन मैरो मैच हो सकता था, लेकिन तुमने एक झटके में मेरे दो दो बच्चों की जिंदगी ले ली। क्यों किया तुमने ऐसा जिया, आखिर क्यों? जिया ने नफरत से देखा, क्योंकि मैं अपने पैर खोकर तुम्हें खुशहाल जिंदगी जीते हुए नहीं देख सकती थी, क्योंकि तुमने मेरे पैर छीने और उस शख्स को भी छीना जिससे मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, जिसे बचाने के लिए मैंने खुद की भी परवाह नहीं की। मेरा सब कुछ छीनकर तुम चैन से कैसे रह सकती हो? इससे पहले कि अपर्णा कुछ बोलती, आरती जी ने गुस्से से चीखते हुए कहा, बस करो जिया, बस करो। बदले की आग ने तुम्हें इतना अंधा बना दिया है कि तुमने अजन्मे बच्चे को भी मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और अपर्णा ने तुमसे क्या छीन लिया? जब तुम्हारी जिंदगी में डॉक्टर ओबेरॉय का कोई अस्तित्व भी नहीं था, अपर्णा तब से उन्हें जानती है और प्यार करती है, और तो और वो उसके बच्चे का बाप भी है। तुम्हें किसने हक दिया कि तुम किसी जोड़े को अलग करने के लिए ये सब करो? इस वक्त जिया को माँ का अपने ऊपर चिल्लाना बेहद बुरा लग रहा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, क्यों? आप भी तो यही चाहते थे कि डॉक्टर ओबेरॉय और दी का रिश्ता आगे ना बढ़े। मैंने तो बस आपकी मर्जी पूरी करने के लिए अपने प्लान को एक स्टेप आगे बढ़ा दिया, और आप मुझे बुरा कैसे कह सकती हैं? उसके बच्चे और उसके बच्चे के बाप को बचाने के लिए मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। आरती जी ने अफसोस से जिया को देखते हुए कहा,
न जाने कौन से ग्रह नक्षत्र चढ़ गए हैं तुझ पर बेटा कि तुझे इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है। बहन है ये तेरी, तूने इसे बचाकर अनोखा काम नहीं किया बल्कि वही किया जो दुनिया की कोई भी बहन अपनी बहन के लिए करती। हे भगवान, कितनी बुरी माँ हूँ मैं जो अपनी बेटी को सही से परवरिश भी नहीं दे सकी, इसलिए मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मेरे जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार ने तुम्हें इस हालत में लाकर खड़ा किया है जिया, जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। आरती जी को ऐसे रोता हुआ देखकर एक पल को जिया की आंखों में शर्मिंदगी सी उभरी थी, लेकिन अगले ही पल एक बार फिर से उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। फिर उसके बाद कमरे में सन्नाटा छा गया था। जिया घर चली गई और अपर्णा रोते रोते कब सो गई उसे पता ही नहीं चला था। उसे सोता हुआ देखकर आरती जी भी वही सोफे पर सो गई थी। उनकी जिंदगी में हाल फिलहाल में सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि उन्हें सुकून से रहने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। अभी अभी इतना बड़ा ऑपरेशन करवाकर वापस लौटी आरती जी पर एक के बाद एक टेंशन आती जा रही थी, इसलिए जैसे ही उनकी पीठ सोफे से टिकी उन्हें गहरी नींद ने आ गई। सुबह जब खिड़की से रोशनी की हल्की हल्की किरण अंदर आने लगी थी तो आरती जी की आंखें खुली। उन्होंने जैसे ही अपर्णा के बेड की तरफ देखा तो चौंक सी गई। वो अपने बेड पर नहीं थी। आरती जी को लगा कि शायद अपर्णा वॉशरूम में होगी, लेकिन काफी देर तक उन्हें वॉशरूम से भी कोई आवाज नहीं आई। तब उन्होंने दरवाजा खोलकर देखा तो वॉशरूम भी खाली था। अब उन्हें टेंशन होने लगी थी। कहाँ चली गई अपर्णा? ऐसे कैसे जा सकती है? कहीं उसने दुख में कोई गलत कदम तो? ये सोचते हुए आरती जी खुद ही सहम गई। नहीं नहीं, अपर्णा ऐसा नहीं कर सकती, वो मजबूत लड़की है और फिर वो शुभम को अकेला छोड़कर जाने का तो सोच भी नहीं सकती। यही सब सोचते हुए आरती जी ने अपर्णा के लिए पूरा अस्पताल छान मारा था। यहाँ तक कि उन्हें हार कर आदित्य को ही कॉल करना पड़ा। उन्होंने आदित्य को पूरी बात नहीं बताई, सिर्फ इतना बताया कि अपर्णा की तबीयत खराब होने की वजह से वो लोग उसे रात ही अस्पताल लेकर आए थे और अब वो सुबह से गायब है। जबकि आदित्य ने अपर्णा की तबीयत खराब होने का सुना तो परेशान होते हुए बोला, क्या हुआ था अपर्णा को? आरती जी उसे बताने में झिझक रही थी, तब आदित्य ने झुंझलाते हुए कहा, मुझे बताइए मिसेस रॉय, अपर्णा को क्या हुआ था? आरती जी ने दिल पर पत्थर रखते हुए उसे अपर्णा की प्रेगनेंसी और अबॉर्शन तक की सारी कहानी कह सुनाई। आदित्य ने सत्ते की हालत में कहा, मार दिया, जिया ने मेरे अजन्मे बच्चे को मार दिया। उसे बहन से नफरत हो सकती है लेकिन उसके अजन्मे बच्चे से क्या बहन हो सकता है मिसेस रॉय? आप लोग अपर्णा के लिए इतना बुरा परिवार क्यों है? आरती जी ने अफसोस भरे लहजे में कहा, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, सरासर मेरी गलती है। मैं ही अपनी बेटी को अच्छी परवरिश नहीं दे पाई, लेकिन बेटा तुम मुझे जितना कोसना चाहते हो कोस लेना, लेकिन मेरी बच्ची को बचा लो, प्लीज उसे ढूंढ लाओ, प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। आदित्य ने उन्हें बिना कोई जवाब दिए कॉल कट कर दिया। फिर उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा, कैसा बाप हूँ मैं जो अपने होने वाले बच्चे का ख्याल भी नहीं रख पाया और जीते जी शुभम के लिए उम्मीद भी शायद खत्म कर दी। आदित्य फोन रखकर जल्दी से अपनी कार में आ बैठा ताकि अपर्णा को ढूंढने जा सके। कार स्टार्ट करते हुए आदित्य सोच रहा था कि इतने बड़े शहर में अपर्णा कहाँ जा सकती है। उसने अपर्णा के ऑफिस फोन करके पूछा तो वहाँ से पता चला कि अपर्णा वहाँ पर नहीं पहुँची है, बल्कि वो तो पिछले 4 दिनों से छुट्टी में ही है। आदित्य ने फिर वहाँ से अंतरा का नंबर लेकर उससे बात की। अंतरा का भी वही जवाब था कि पिछले कुछ दिनों से उन दोनों के बीच काम के अलावा और कोई बात ही नहीं हुई। अब आदित्य की समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे कहाँ ढूंढे। अपने धुन में खोए हुए आदित्य ने आसपास के सारे पार्क और मंदिर देख डाले थे। थक हार कर उसने मार्केट के आसपास वाले एरिया में अपर्णा के बारे में उसकी तस्वीर दिखाकर पूछना शुरू किया। यहाँ तक कि वो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की खाक भी छानता चला जा रहा था। बस स्टैंड के मेन गेट के सामने ही जब उसने एक दुकानदार से अपर्णा की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछा तब उसने याद करते हुए बताया, जी ये मैडम तो नाहन वाली बस का टाइम पूछ रही थी। ये सुनते ही आदित्य का दिमाग घूम गया। वो शिमला से नाहन चली गई थी। आदित्य ने बिना एक पल गवाए अपनी कार नाहन के रास्ते में मोड़ दी। पूरे रास्ते वो भगवान से अपर्णा की सलामती की दुआएं मांगता रहा था।
लेकिन नाहन पहुंचकर अब उसके सामने एक बार फिर से वही सवाल था कि आखिर अपर्णा नाहन में कहां जा सकती है। अभी वो सड़क के किनारे अपनी गाड़ी खड़ी करके सोच ही रहा था कि तभी उसे सामने से एक साधु बाबा आते हुए दिखे। उन्होंने आकर आदित्य की खिड़की के शीशे पर नॉक किया और कहा, बेटा अगर तुम कुछ आगे तक जा रहे हो तो क्या मुझे मुक्ति बोध आश्रम तक छोड़ दोगे। आदित्य का एक दिल चाहा कि वो उन्हें एकदम से मना कर दे, लेकिन तभी ना जाने क्यों उसे उन साधु बाबा की उम्र देखकर तरस आ गया। उसने बाबा को बैठने का इशारा किया और कार मैप पर मुक्ति बोध आश्रम का एड्रेस सेट करके गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ ही देर में आदित्य साधु बाबा को लेकर आश्रम पहुंच चुका था। साधु बाबा ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, आज जैसे तुमने इस बूढ़े साधु की मदद की है, भगवान तुम्हारी भी ऐसे ही मदद करे। इतना कहकर वो वहां से चले गए। आदित्य ने अपनी कार स्टार्ट की और एक आखिरी नजर से उस बूढ़े साधु बाबा को आश्रम के अंदर जाते हुए देखा। तभी गेट के ऊपर लगे हुए बोर्ड को देखकर आदित्य को जैसे कुछ याद आया। उसने होठों ही होठों में आश्रम का नाम दोहराया, मुक्ति बोध आश्रम, ये नाम तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है। और तभी आदित्य को जैसे बिजली का करंट सा लगा। उसने फौरन कार साइड में पार्क की और तेजी से आश्रम के अंदर चला गया। आखिर आदित्य को ऐसी कौन सी बात याद आई कि जिसकी वजह से वो अंदर जाने पर मजबूर हो गया। जानने के लिए सुने कमबख्त मोहब्बत का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अपर्णा का मिसकैरेज होने के बाद वो परेशान होकर कहीं गायब हो गई थी। आरती जी ने आदित्य को कॉल लगाकर अपर्णा को ढूंढने के लिए कहा। आदित्य अपर्णा को ढूंढते हुए नाहन आ पहुंचा। आश्रम के गेट से अंदर जाते हुए आदित्य को अपर्णा की बात याद आ रही थी जो उसने 5 साल पहले आदित्य से कही थी। आपको पता है मिस्टर ओबेरॉय, मुक्ति बोध आश्रम इतनी अच्छी जगह है कि वहाँ जाने के बाद ऐसा महसूस होता है जैसे वहीं बस जाना चाहिए। मैंने सोच लिया है फ्यूचर में कभी भी अगर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे चैन और सुकून से दुनिया से दूर कहीं रहने की जरूरत है तो मैं मुक्ति बोध आश्रम में ही जाऊंगी। आदित्य अपर्णा की वो बात याद करते हुए रिसेप्शन तक जा पहुंचा था। उसने रिसेप्शन पर जाकर अपर्णा की तस्वीर दिखाते हुए उसके बारे में पूछा तो वहाँ मौजूद बंदे ने कहा, इस नाम का मेरी जानकारी में तो कोई भी नहीं आया है। आदित्य को ऐसा लगा जैसे वो मंजिल के बेहद करीब आकर खाली हाथ लौट रहा हो। उसने रिसेप्शन पर बैठे उस शख्स से कहा, सर प्लीज आप एक बार अच्छे से कंफर्म करके बताइए कि अपर्णा नाम की लड़की आपके आश्रम में है या नहीं। तब उस आदमी ने कहा, मेरे सामने तो इस नाम का कोई नहीं आया, लेकिन शायद मेरी गैर मौजूदगी में कोई इस नाम का आया हो। आप यहीं पर रुकिए, मैं रश्मि को बुला कर लाता हूँ, शायद उसे कुछ पता हो, रिसेप्शन पर वही रहा करती है ज्यादातर। आदित्य के इंतजार में तरसती आंखों को जैसे एक रोशनी मिल गई थी। उसने जल्दी से कहा, हाँ हाँ प्लीज। तब उस आदमी ने इंटरकॉम पर रश्मि को कॉल लगाया और रिसेप्शन पर आने के लिए कहा। फिर उन्हें कुछ ही देर का इंतजार करना पड़ा और रश्मि अगले कुछ ही पलों में वहाँ मौजूद थी। लेकिन आदित्य को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये कुछ पल उस पर सदियों जैसे बीत रहे थे। उसने बेचैनी से रश्मि को अपर्णा की फोटो दिखाई और वहाँ उसकी मौजूदगी के बारे में पूछा। रश्मि ने कुछ सेकंड तक उस तस्वीर को गौर से देखा और फिर बोली, हाँ ये सुबह ही यहाँ आई है, काफी बीमार लग रही थी इसलिए उन्हें आश्रम के मेडिकल डिपार्टमेंट में भेजा गया है। ये सुनकर आदित्य के हाथ पैर फूल गए। उसने जल्दी से पूछा, वो ठीक तो है ना रश्मि जी। रश्मि ने कुछ सोचते हुए कहा, हालांकि वो खुद चलकर यहाँ तक आई हैं, लेकिन उनकी हालत देखकर हम सबको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस हालत में नॉर्मल लोग शिमला से यहाँ तक का सफर करके शायद ही पहुँच पाए, इसलिए हमने उन्हें फौरन मेडिकल असिस्टेंस दे दी थी। आदित्य ने बेचैनी से पूछा, इस वक्त वो कहाँ मिलेगी सिस्टर। तब रश्मि ने बताया, रिसेप्शन से राइट की तरफ से जो सड़क जा रही है उधर ही हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट है, आप आगे बढ़ेंगे तो 500 मीटर की दूरी पर आपको बिल्डिंग दिख जाएगी, आप वहाँ पर पता कर सकते हैं। आदित्य ने उसे पूरे मन से थैंक यू कहते हुए तेजी से उसके बताए हुए रास्ते पर चला गया। कुछ ही पलों में वो मेडिकल डिपार्टमेंट में मौजूद था। उसने वहाँ के रिसेप्शन पर अपर्णा के बारे में पूछा तो उसे बताया गया, इस वक्त सारे लोगों को झील के किनारे प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा किया गया है, मिस अपर्णा भी आपको वहीं मिलेंगी।
आदित्य ने उसे भी थैंक यू कहा और झील की तरफ बढ़ गया। उसने देखा कि बहुत सारे लोग उस रास्ते से लौट रहे थे। उसने वहाँ से गुजरते हुए एक शख्स को रोक कर पूछा, वो प्रवचन खत्म हो गया क्या? तब उसने आदित्य को जवाब दिया, हाँ अभी अभी खत्म हुआ है, आपको देर हो गई। लेकिन आदित्य ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, शायद मुझे देर नहीं हुई। और फिर वो तेजी से झील की तरफ बढ़ता चला गया। सूरज हालांकि सर पर था, लेकिन फिजा में अच्छी खासी ठंडक थी और झील की तरफ से आती ठंडी हवाएं बेहद सुहाना एहसास दे रही थी। आदित्य अपर्णा को नजरों ही नजरों में ढूंढते हुए आगे बढ़ा जा रहा था, तभी उसे झील के किनारे बने बेंच पर बैठी कोई लड़की दिखी। आदित्य इतनी दूर से ही पहचान सकता था कि वो कोई और नहीं बल्कि अपर्णा ही है। उसने अपर्णा के पास जाकर हल्के से उसके कंधे को छुआ और बोला, मैं आ गया अपर्णा, अब तुम्हें कुछ भी अकेले झेलने की जरूरत नहीं है। अपर्णा ने ये सुनकर चौंकते हुए पीछे पलटकर देखा, उसके मुंह से हैरानी से निकला, मिस्टर ओबेरॉय आप यहाँ? आदित्य उसके पास आकर बैठ गया और फिर हवा में उड़ते उसके बालों को कान के पीछे समेटते हुए बोला, जहाँ अपर्णा वहाँ आदित्य, आदित्य का अपर्णा के बगैर कोई अस्तित्व है भला? ये कहते हुए उसने अपने पैर ऊपर किए और अपर्णा की गोद में लेट गया। उसका चेहरा अपर्णा के पेट की तरफ था। उसने धीरे से उसके पेट को चूमते हुए कहा, सॉरी माय बेबी, मैं आपका और आपकी मम्मी का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया, लेकिन मुझे पता है आप जहाँ कहीं भी होंगे भगवान जी ने आपको अच्छे से रखा होगा। हालांकि पापा को आपके जाने का बेहद अफसोस है, लेकिन जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है, बहुत से फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ भलाई जरूर छिपी होती है। शायद आपका जाना हमारे लिए वैसा ही एक फैसला होगा, बट डैड विल मिस यू। कहकर उसने अपना चेहरा अपर्णा के पेट में छुपाए रखा। अपर्णा एक तक झील के पानी में देखते हुए खामोश थी। उसे शायद ये भी एहसास नहीं था कि उसके आंसू बहे जा रहे हैं। काफी देर दोनों ऐसे ही बैठे रह गए। जब अपर्णा को यह एहसास हुआ कि उसे आदित्य से बात करनी चाहिए, तो उसने आदित्य के बालों में हल्के हल्के उंगलियां फेरते हुए कहा, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? तब आदित्य ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और उसकी गोद से सर उठाकर सीधे बैठते हुए बोला, शायद भगवान जी ने। आदित्य के मुंह से ये सुनते ही अपर्णा ने कुछ हैरान होते हुए सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। तब उसने शिमला से नाहन और नाहन से मुक्तिबोध आश्रम तक पहुंचने की कहानी सुनाई। अपर्णा के लिए भी ये यकीन करना मुश्किल था कि आदित्य किस तरह उसके पास पहुंचा। जब आदित्य को लगा कि अपर्णा अब कुछ नॉर्मल लग रही है, तो उसने अपर्णा का हाथ थाम कर कहा, चलो अब घर चलते हैं। लेकिन ये सुनते ही अपर्णा ने उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, घर? कौन सा घर? वो घर जिसमें लोग मेरे खिलाफ साजिशें करते हैं, मैं वहाँ अब जीते जी तो नहीं जाने वाली। उस घर ने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया, आपको छीन लिया, क्या करूँगी मैं अब उस घर में जाकर? मेरे पास अब खोने के लिए बचा ही क्या है? आदित्य ने उसे इतनी नेगेटिव बातें करते हुए सुना तो हल्के से उसका सर अपने कंधे पर रखते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि उस घर में तुम्हें बहुत तकलीफ मिली है, लेकिन मुझे ये भी पता है अपर्णा की किसी मुश्किल से भाग जाना कोई सलूशन नहीं है। पता है मुसीबतें हमारी जिंदगी में क्यों आती हैं? ताकि हम उनसे लड़कर और मजबूत हो सके। तुम खुद सोचो, पिछले 5 सालों में तुमने जो कुछ भी झेला, उसके बाद तुम कैसी हो और उससे पहले तुम कैसी थी? कहते हुए आदित्य ने उसके होठों को धीरे से चूम लिया और यही वो पल था जब अपर्णा को वो सीन याद आ गया जब आदित्य अपनी बिल्डिंग के नीचे रेती को किस कर रहा था। उसने एकदम से उसे झिड़कते हुए कहा, मेरे दुखों की लिस्ट इतनी लंबी है मिस्टर ओबेरॉय कि मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे किस किस से गुस्सा रहना चाहिए, और इस लिस्ट में आपका भी नाम है। आदित्य ने सुना तो चौंक गया, मेरा नाम? मैंने तुम्हें हाल फिलहाल में कौन से दुख दिए हैं अपर्णा? बताओ मुझे, क्या तुम इस बात से नाराज हो कि मैंने जिया के सामने तुम्हें खुद से छोड़ने की बात कही? अपर्णा ने जवाब में कुछ भी नहीं कहा। तब आदित्य उसे समझाते हुए बोला, उस दिन अगर मैंने तुमसे आगे बढ़कर रिश्ता खत्म नहीं किया होता, तो शायद आज के दिन हम मिलने के लिए तरस रहे होते,
तुम्हारे शुभम की कसम खाने से बेहतर था कि मैं खुद तुमसे सारे रिश्ते खत्म कर देता। अपर्णा ने ये सुना तो धीरे से बोली, मुझे आपसे उस बात के लिए कोई शिकायत नहीं है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपने इसी वजह से मुझसे रिश्ता खत्म किया था। ये सुनकर आदित्य ने उसका चेहरा देखते हुए पूछा, जब ये भी वजह नहीं है तो आखिर किस वजह से तुम मुझसे ऐसे नाराज हो? आखिर अब मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? तब अपर्णा ने कुछ चिढ़ते हुए कहा, अच्छा तो आपकी नजर में अपनी एक्स मंगेतर को किस करना कोई गुनाह नहीं है? ये सुनकर आदित्य कुछ चौंक सा गया। उसने कुछ सख्त लहजे में कहा, ये क्या बात कर रही हो तुम? तब अपर्णा ने अफसोस भरे लहजे में कहा, ये बात अगर मुझे किसी और ने बताई होती ना मिस्टर ओबरॉय, तो शायद मैं यकीन नहीं करती। लेकिन जिस दिन आपने मुझसे रिश्ता खत्म किया, उसके कुछ दिन बाद आप अपनी बिल्डिंग के नीचे रेवती को किस कर रहे थे। ये सुनते ही आदित्य जल्दी से बोला, तुम उस बात को मन से लगाए बैठी हो। उस रात मैं परेशान था, यही वजह थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं अगर होश में रहूंगा तो चैन से नहीं रह पाऊंगा, इसलिए मैंने बार में जाकर शराब पी ली थी। बेहद नशे में मैं बाहर निकला तो मुझे रेवती मिल गई, वही मुझे घर तक छोड़ने आई थी। मैं तो अपने होश में भी नहीं था और उसी दौरान उसने मुझे किस कर लिया। लेकिन भगवान जानता है कि उस किस के बाद मैं अपने घर लौट गया, उसे ऊपर तक नहीं आने दिया था। अपर्णा ने ये बात सुनी तो कुछ चौंकते हुए बोली, मुझे क्या पता उससे पहले या उसके बाद क्या बातें हुई है, मुझे तो जो सामने दिखा मैं उसी को सच समझूंगी ना। आदित्य ने एकदम से उसे गले लगाते हुए कहा, लेकिन अब तो सच तुम्हारे सामने है, अब तो तुम्हें किसी बात का शक नहीं है। तब अपर्णा ने एक बुझी हुई मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं मिस्टर ओबरॉय, मुझे कोई शक नहीं है। आदित्य एक बार फिर से उसका हाथ थाम कर उसे उठाते हुए बोला, तो फिर ठीक है, घर चलो। अपर्णा ने एक बार फिर जब घर जाने की बात सुनी तो मायूस लहजे में कहा, मैं उस घर में वापस कैसे लौट सकती हूँ मिस्टर ओबरॉय? आपको अच्छी तरह से पता है मैं जिया के साथ कैसे रह सकती हूँ। वो हर पल मुझे याद दिलाएगी कि उसने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। आदित्य ने तब उसका सर अपने कंधे से लगाते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हें उन लोगों का सामना करने के लिए कुछ वक्त चाहिए तो पहले मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ, फिर हम ये तय करेंगे कि हमें घर कब जाना है। अपर्णा ने धीरे से कहा, आप मुझे उस नर्क में फिर से धकेलना चाहते हैं? आदित्य ने उसे एक बार फिर से समझाते हुए कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ऐसे ही नहीं ले जाऊंगा। मैं जिया और मिसेस रॉय से आमने सामने बैठकर बात करना चाहता हूँ। उसके बाद इस मामले का जो भी हल निकलेगा वो तुम तय करना कि तुम्हें मंजूर है या नहीं। मैं तुम पर कोई जोर नहीं डालूंगा। आदित्य की ये बात अपर्णा को ठीक लगी और फिर दोनों घर के लिए निकल गए। अभी दोनों शिमला पहुंचने ही वाले थे कि तभी आदित्य का फोन बज उठा। अपर्णा को ऐसा लगा जैसे आरती जी की कॉल होगी, लेकिन उसने जैसे ही स्क्रीन पर नजर डाली वहाँ देविका जी की कॉल थी। अपर्णा को उस वक्त उनकी कॉल आती हुई देखकर ऐसा महसूस हुआ जैसे एक अजीब सी ठंड की लहर ने उसकी रीढ़ की हड्डी तक को कपकपा दिया हो। आदित्य ने बात करते हुए कहा, ये भी तो हो सकता है ना कि आप गलत सोच रही हो। वैसे आप टेंशन मत लीजिए, मैं जल्द से जल्द इस मामले को निपटा लूंगा। आप बेफिक्र रहिए, आपकी मर्जी के बगैर मैं कुछ नहीं करूंगा। कहकर उसने कॉल रख दिया, जबकि अपर्णा को उसकी बातें सुनकर ऐसा महसूस हुआ कि देविका जी की वजह से एक बार फिर से उनके रिश्ते पर जुदाई के बादल मंडराने लगे हैं। क्या सच होने वाला था अपर्णा का डर? क्या देविका जी को पता चल गया था आदित्य और अपर्णा के रिश्ते के बारे में? जानने के लिए सुने कमबख्त मोहब्बत का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।